नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल 370 होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, जैसे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की लाइन लग गई है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में अब कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर आने वाले हैं और किन बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है। वेल, आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपने इमार ग्रुप का नाम तो जरूर सुना होगा, ये वही ग्रुप है जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाया था और ये अब जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, जो करीबन 5 लाख स्क्वायर फीट फैला होगा। ये एक बहुत बड़ा मॉल होगा दोस्तों, और इसके बनने से वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इन्वेस्टर उसको देख के आने लगेंगे। दोस्तों वैसे आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर में रियल इस्टेट शिखर हुआ, जिसमें 19,000 करोड़ रुपए की लागत से 39 बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है। दोस्तों देखते ही देखते जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर में कोई भी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है दोस्तों। अब आप जम्मू कश्मीर में खुल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब कुछ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आर्टिकल 370 जब से लगा हुआ था, तब से जम्मू एंड कश्मीर का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, ना ही बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट वहां जा सकता था, और ऐसे करके बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। लेकिन जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने लगे हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें, इमार एक बहुत बड़ी ग्रुप है। अगर इमार जैसी ग्रुप जम्मू कश्मीर में आके अपना इन्वेस्टमेंट चालू करती है, तो छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी कंपनियां उनको देख के आएंगी और अपना काम खुल के कर पाएंगे। वेल, आपको ये जानकारी कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।